जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ, जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आप सभी को बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, और जन्म कुंडली विश्लेषण करा कर मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को कर कर आप डेफिनेटली अपने जीवन में बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देख सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ प्रदोष व्रत को लेकर। हर महीने में दो प्रदोष व्रत आते हैं, ये हम सभी जानते हैं। एक शुक्ल पक्ष में आता है और एक कृष्ण पक्ष में आता है। दोनों प्रदोष व्रत हम भगवान शिव शंकर को समर्पित करते हैं। इस समय आषाढ़ महा जब चल रहा है, ये वीडियो आज जब मैं शूट कर रही हूँ तो आप समझिए कि आषाढ़ का महीना चल रहा है और ये वीडियो मैं आपके लिए आज शूट कर रही हूँ। और इस माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 1 जुलाई 2023 यानी कि शनिवार को रखा जाएगा। तो इस दिन शनिवार होने की वजह से इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस व्रत को करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं और शनि दोष भी दूर हो जाते हैं। शनि प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति जरूर होती है। वैसे तो देखिए, मैं आपको सच बताऊं, भगवान भोलेनाथ की आप किसी भी रूप में पूजन कर लीजिए, किसी भी तरह पूजन कर लीजिए, कुछ नहीं तो एक लोटा जल ले जाकर रोज चढ़ाना शुरू कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ हमारे भोले भंडारी इतने भोले हैं कि आपके उस एक लोटा जल से ही इतने खुश हो जाएंगे कि आप जो मांगेंगे वो आपको जरूर देंगे। इसीलिए इस तथ्य को इस तरह जोड़ दिया है कि जो मनुष्य पुत्र की प्राप्ति भी रखता हो तो वो भी अगर इस व्रत को रेगुलर पूर्ण रूप से रखना शुरू हो जाए तो उसको पुत्र प्राप्ति के भी बहुत ही अच्छे योग बन जाते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि शनि प्रदोष के दिन व्रत रखकर शिवजी की पूजा करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भोलेनाथ जरूर देते हैं और व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि शनि प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और इसके महत्व के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आषाढ़ शनि प्रदोष व्रत तिथि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 1 जुलाई दिन शनिवार को रात 1:16 से शुरू हो रहा है। वहीं इसका समापन 1 जुलाई को रात 11:07 पर होगा। तो शनि प्रदोष व्रत का महत्व, देखिए प्रदोष व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हर प्रकार के दुखों को दूर कर सुख शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। वहीं जो लोग संतानहीन हैं उनको विशेष कर शनि प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। जिनको संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है तो उनको ये व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को करने से शिव जी की कृपा से आप लोगों को जिनको परेशानी है संतान की प्राप्ति जरूर होती है। ये बहुत ही खास व्रत माना जाता है, पूजन माना जाता है। तो ऐसे में आपको शनि प्रदोष पर क्या खास करना है, क्या खास करना चाहिए वो मैं आप सभी को बताती हूँ। आप देखिए, प्रदोष काल में शिव जी का पूजन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप शनि प्रदोष रखते हैं। तो ऐसे में सुबह स्नान कर एक लोटे में जल लीजिए और एक लोटे में पंचामृत बना लीजिए, नहीं तो एक लोटे में पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत कैसे बनेगा? कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल और थोड़ा सा गाय का घी। पंचामृत बनाइए, पंचामृत बनाकर भोलेनाथ को पहले पंचामृत से स्नान कराइए, फिर साफ जल से भोलेनाथ को स्नान कराइए, और गाय के घी का दीपक, एक बत्ती का दीपक बनाइए और गाय के घी का दीपक आप प्रभु भोलेनाथ के समक्ष जलाकर रख दीजिए। इसके बाद वहीं पर बैठकर आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ओम नमः शिवाय का जब आपका जाप पूरा हो जाएगा तो मीठे के रूप में सफेद रंग की कोई भी मिठाई आप भोलेनाथ को जरूर अर्पण करिए। लेकिन क्योंकि शनि प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो ऐसे में जब आपका जाप पूरा हो जाएगा तो जाप पूरा होने के बाद में एक मुट्ठी काले तिल लीजिए, अपने माथे से लगाइए और वो लगाकर भोलेनाथ के ऊपर अर्पण कर दीजिए।
ये पूजा का प्रोसेस आपका सुबह का रहेगा, सुबह आपने इस तरह करना है। इसके बाद शाम के समय आपको क्या करना है, प्रदोष काल में, प्रदोष काल आपको पता है ना, प्रदोष काल शाम के समय फिर आपको इसी तरह दीपक जलाना है, स्नान नहीं कराना है पंचामृत से, सिर्फ दीपक जलाना है, धूप अगरबत्ती जो भी आप यूज करते हैं वो जलाइए, और उसके बाद आपने उस दीपक में काले तिल मिलाकर आपने भोलेनाथ के समक्ष जलाना है, इस बात का ध्यान रखिए। फिर वहां पर बैठकर शाम को ओम नमः शिवाय का जाप करना है। लेकिन आप अगर किसी खास नियम से किसी खास इच्छा की पूर्ति करना चाह रहे हैं, शनि की साढ़े साती या शनि की महादशा अंतर दशा में आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप शाम की पूजा में एक छोटी सी चीज जरूर करिएगा कि आपने सफेद रंग के 108 फूल लेने हैं। सफेद रंग के 108 फूल लेकर इन पर सफेद चंदन लगाकर, सफेद चंदन का पेस्ट बनाइए, सफेद चंदन लगाकर और इस पे चावल का तिलक करके, आप चाहे तो पहले ही करके एक थाली में इनको सजा कर रख लीजिए, और जैसे जैसे आप ओम नमः शिवाय पढ़ेंगे, आपने ओम नमः शिवाय पढ़ा, आपके हाथ में, सीधे हाथ में फूल होना चाहिए। फूल लेकर आपने बोला ओम नमः शिवाय, माथे से लगाया और शिव जी के ऊपर अर्पण कर दिया। तो इस तरह 108 फूल आप जरूर अर्पण करिए। ये उपाय मैं उन सभी लोगों को बता रही हूँ जिन लोगों को शनिदेव का कष्ट मिल रहा है। वैसे तो देखिए शनिदेव कष्ट नहीं देते हैं, शनि हमारे कर्म फलदाता है, कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। अगर आपने जीवन में किसी को धोखा दिया है, शनि की महादशा अंतरदशा आने दीजिए, आपको आपके अपने धोखा ना दे दे तो कहिएगा, क्योंकि शनि देव का काम ही है आपका रिजल्ट कार्ड प्रिपेयर करके आपके सामने रखना। तो शनि किसी के लिए अच्छा न बुरा, शनि तो कर्मों के अनुसार ही आपको फल देते हैं। तो ऐसे में शनि प्रदोष पर आज मैं आपके लिए खास उपाय आप सभी के समक्ष बताने के लिए पेश हुई थी, और आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो ऐसी ऐसी खास जानकारियाँ आपको नहीं मिलेंगी। जय माता दी।